तो दोस्तों शायद आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली ट्रिगर्ड इंसान और उनके मम्मी पापा लोगों को खाना खिलाया है और ट्रिगर्ड इंसान का मम्मी उसका एक ब्लॉग भी अपलोड किया है। तो उस ब्लॉग में ट्रिगर्ड इंसान और उनके मम्मी पापा को लोग बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे, जहां पर लोग बोल रहे थे कि ट्रिगर्ड इंसान और उनके मम्मी पापा आज तक एक रुपए भी खर्च नहीं किया, लेकिन अभी फुकरा इंसान फिनाले में पहुंच गया है इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान उनके रिसेंट लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट किया और जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे उन लोगों के ऊपर ट्रिगर्ड इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किए आप लोग खुद देख लीजिए। यू नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम के मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने स्पेशली भंडारा किया हो, ठीक है, मेरा बर्थडे होता है या फिर मेरी प्रेरणा की, अभिषेक की कोई अचीवमेंट होती है। इवन जब टिल्लू भी हुआ था तो मतलब ऐसे जब भी कोई अचीवमेंट ऐसा कुछ होती है ना, तो मेरे मम्मी पापा पंजाब में रहते थे तो वहाँ पे ना भंडारा करना, लंगर करना जो सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। तो हमारे यहाँ पे ना एक ऐसी वो है प्रथा जिसे कहते हैं ना, कि जब भी किसी की कोई अचीवमेंट होती है या घर में कुछ ऐसा खुशी का माहौल होता है ना, तो घर वाले मेरे मम्मी पापा हमेशा लंगर करवाते हैं। तो अब यूजुअली जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उस पर ऐसा हमेशा वीडियो नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन जब ये लास्ट ईयर भंडारा किया था, मम्मी ने मेरे बर्थडे पे किया था, तब उन्होंने व्लॉग किया। अभी हमने रिसेंटली भंडारा किया था 6 महीने पहले, तब नहीं किया उन्होंने व्लॉग, अभी फिर उन्होंने भंडारा कर दिया। भाई सिर्फ पता है क्या कमेंट्स थे उस रिसेंट वाली वीडियो पे, वो भंडारा उन्होंने ना वीडियो में भी बोला था कि अभिषेक फाइनल में पहुंच गया इसलिए किया है। अगेन उनके लिए वो खुशी की बात थी एंड मुझे ना उसके बारे में पता भी नहीं था। मैं अगले दिन सुबह उठ के गया, मैं लेजिट, अगर उस व्लॉग में, मम्मी के चैनल पे वो व्लॉग में तुम सीन देखोगे, आई वॉज लेजिट अस्लीप आधी नींद में एंड मम्मी ने मेरे को बोला कि भंडारा हो रहा है तो तू भी खाना पैक कर सबके लिए। तो मैंने भी खाना पैक कर दिया एंड मैं बस उसी एक सीन में हूँ, उसके अलावा किसी सीन में नहीं हूँ। हाउ कैन पीपल इवन हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, किसी को खाना खिलाने में भी तकलीफ है। भाई मेरे को वो लिटरली सीन याद है, कुछ अंकल लोग पार्क में बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहती है कि साडा पुत्र अभिषेक बिग बॉस के फिनाले पहुंच गया है इसलिए, तो हमें बड़ी खुशी से है इसलिए कर रहे हैं। तो पीपल इवन हैड प्रॉब्लम विद दैट, के छोड़ यार मेरे को तो बोलते हुए भी ऐसा लगता है। एंड पता है क्या, उस पूरे व्लॉग में आई वॉज देयर इन जस्ट वन सीन जहाँ पे मैं वो खाना पैक कर रहा था एंड यू नो व्हाट, एक बहुत ही कमाल की प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वहाँ पे क्या ट्वीट्स हो रहे हैं, दिस इज ट्रिगर्ड इंसान, आज तक 1 रुपए की डोनेशन नहीं करी होगी इसने और अब देखो भाई को जितवाने के लिए ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आई वॉज लाइक हाउ डू पीपल हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग, हर चीज के साथ कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तुम लोगों को इस चीज में भी प्रॉब्लम है कि किसी को खाना खिलाया जा रहा है। आई मीन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने चैनल पे चैरिटी करी है, असम एंड बिहार में जब फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर आई डिड अ चैरिटी, 24 आवर चैरिटी एक डिफरेंट थी जिसमें हमने 2.5 लाख रुपए रेस करे थे। उसके बाद हमने असम एंड बिहार के लिए एक चैरिटी की थी जिसमें हमने 12.5 लाख रुपए डोनेट करे थे, जिसमें से 5 लाख रुपए आज रुकी जा, आज मैं ये बात बोल ही देता हूँ, 12 लाख रुपए 12.5 लाख रुपए हमने उस स्ट्रीम में डोनेट करे थे, जिसमें से 5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से दिए थे, क्योंकि तुम्हें पता है क्यों, और मैंने उस स्ट्रीम पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बुलाए थे एंड मैंने उन सबको बोला था कि आप लोग भी थोड़ी 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 डोनेशन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो डोनेट करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे पास है, भगवान ने जितना हमें दिया है इन्हीं की वजह से है, तो अब इनसे पैसे लेके मैं डोनेशन नहीं करवाना चाहता, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, रुक जा इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सारे क्रिएटर्स डोनेट करें। उसमें प्रेरणा ने 50,000 डोनेट किया था, अभिषेक ने 50,000 दिया था, मिस्टर रैंडम ने कुछ 2 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए मेरे थे, खुद की जेब के दिए हुए। मैंने कभी ना शो ऑफ नहीं करा इस चीज का कि भाई मैंने पैसे डोनेट करे बिकॉज नहीं, मैंने तब भी क्या बोला, वी रेस्ड 12 लाख रुपीज एंड आई नेवर मेंशन कि मैंने अपनी खुद की जेब से दिए। This is not like कि मैंने ऐसा कभी भाई अपने चैनल को किसी अच्छे काम के लिए यूज ही नहीं करा। अरे मुझे ये भी याद है, Still people have problem with everything. 50,000 कुछ किया था तो पीछे से अंकल कहते हैं कि यार 50 और कर दे। Exactly. मेरे को exactly वो मैं और पल्लव भाई भी थे, हमने भी किया था साथ। अंकल कहते हैं अरे और कर देना। सब नहीं किया था, मैं भी तो था। पता नहीं कितने और कर दे। केकल भाई ने भी किया था। एंड भाई मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों को अगर लगता भी है कि भाई किसी का इंटेंशन सही नहीं है, पर उसका काम तो देख लो वो क्या कर रहा है, वो जो काम कर रहा है ना वो पुण्य का काम है। तुम्हें उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि वो पहली बार नहीं ये काम कर रहा। मेरी मम्मी ने शायद व्लॉग्स नहीं डाले वो जो लंगर करती है, बट हर 6 महीने में मेरे बर्थडे पे, मेरे भाई के बर्थडे पे हमेशा भंडारा करती है वो। लास्ट ईयर लिटरली तेरे को 10 साल से जानता हूँ और मैं का इस बात का अश्योरेंस है, क्योंकि मैं तो
हमेशा होता ही हूँ और मुझे पता ही है यार ये है, पर जब नहीं आज मेरे को लगता है जताते हैं बताते हैं। एक्चुअली लास्ट मेरा जो बर्थडे गया था गाइस, मेरे लास्ट बर्थडे पे एक ब्लाइंड स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने मेरे वेट के जितना खाना डोनेट किया था, मेरे वेट के जितने चावल, मेरे वेट के जितने क्या होता है गेहूं और दाल, तीन चार टाइप की दालें, सब मेरे वेट के जितनी, जताया नहीं उन्होंने, वीडियो नहीं बना के दिखाया कि ये देखो हम कर रहे हैं। पर भाई कोई अच्छा करता है तब भी लोगों को कहीं ना कहीं पे उस चीज से कैसे तकलीफ हो जाती है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। इवन इफ यू गाइस थिंक कि उस बंदे की इंटेंशन कुछ और है, बट भाई उसका काम तो कम से कम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना, किसी के मुंह पे स्माइल ही लेकर आ रहा है ना, जिसको बेचारे को खाना मिला वो भाई वो बंदा तो खुश हुआ ना, उसको भाई खीर मिली, कढ़ी चावल मिले, समोसा मिला, कुछ भी मिला हो वो बंदा तो खुश हुआ होगा ना कि यार मेरे को खाना दिया है। पर पता नहीं यार हर चीज में तकलीफ निकल ही आती है कहीं ना कहीं से लोगों को। भाई नो जोक, अभिषेक तो अपनी वीडियोस में जो करता है पर उससे हटके मैं उसके बहुत इवेंट्स में गया हूँ, तो कभी कभार क्या होता है मिस्ट्री बॉक्स ऐसे कुछ या इवेंट कर रहा है जिसमें कुछ चीजें रह जाती है ना, जो उसके साथ मतलब बैकएंड में जो लोग आए होते हैं ना, फेसेस की बात नहीं कर रहा, जो बैकएंड में लोग आए होते हैं, तो अभिषेक उनको भी कह देता है भाई तू ये ले जा तेरे को काम आ जाएगा, तो वो चीज वो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा यार, और तुम वो चीज मतलब अगर वो दिखाए तो तुम कहोगे कि ये है, पर यार क्या ही बोलूं। और वो तो भाई वो तो अपनी वीडियो में भी दिखा रहा है, उसने तो कितने बार कितने लोगों को ऐसे ही भाई, मतलब उसकी एक दिन पहले की वीडियो थी जहां पे उसने एक ट्रांसजेंडर को वो दिए थे लाइक 1 लाख रुपीज, एंड भाई वो क्या प्यारी वीडियो थी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।